शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फिरौती के लिए किए गए अपहरण मामले में पुलिस ने अपहरण को एक दिन के अंदर सुरक्षित दस्तियाब किया है। आपको बता दें कि 8 तारीख को थाना सतनवाड़ा पर फरियादी ने सूचना दी कि कल रात करीब 9 बजे कुछ लोग मेरे लड़के को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए हैं। सूचना पर से थाना सतनवाड़ा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने अपहरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी और अपहरण की दस्तियाबी के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी महोदय को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग बंदूकों के साथ एक लड़के के साथ ग्राम पुन्ना के जंगलों में देखे गए हैं। मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भुड़िया के मार्गदर्शन में और SDOP शिवपुरी अजय भार्गव, SDOP पहरी निरंजन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी नरवल निरी मनीष शर्मा और साथ ही निरीक्षक नरेंद्र शर्मा पुलिस लाइन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमें बनाकर ग्राम कुंडा के घने जंगलों में दबिश देकर एक साथ सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान पुलिस दबाव में आरोपियों के द्वारा अपहरण को जंगल में ग्राम कुंडा नाले में छोड़ घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है और साथ ही इस कार्रवाई में SDOP शिवपुरी अजय भार्गव, SDOP पहरी निरंजन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी देहात संजय मिश्रा, थाना प्रभारी नरवर, निरीक्षक मनीष शर्मा, निरीक्षक नरेंद्र शर्मा, प्रभारी गोपालपुर, उप निरीक्षक रघुवीर धाकर, थाना AD टीम प्रभारी उप निरीक्षक ब्रह्मोहन रावत के साथ ही उप निरीक्षक रविंद्र सिकरवाल, उप निरीक्षक विवेक यादव, उप निरीक्षक दिनेश नरवरिया, उप निरीक्षक कुलदीप सगर, उप निरीक्षक चैतन्य शर्मा और पुलिस बल की सराहनीय भूमिका रही। सामने आया था क्या पूरा मामला है? थाना सतनवाड़ा में जो जंगल है, रायपुर के जंगल है, वहाँ पे एक पवा गांव के कुछ लोग हैं, किरकारी बोलते हैं यहाँ पर, जो भैंसों का बाड़ा रखते हैं। इनका बता दें परसों रात को कुछ लोग आए थे और जो 4 लोग थे और उन्होंने से पैसे मांगे और पैसे न देने पे एक व्यक्ति को साथ में जंगल में ले गए। ये सूचना कल मिली थी तो कल पुलिस पहुंची थी वहाँ पर और सर्चिंग परसों भी कर रहे थे। परसों से बात आ रही थी कुछ लड़के जो मुरैना की तरफ के हैं वो इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। उसमें फिर ये व्यक्ति की जब धरपकड़ और सर्चिंग चालू हुई है तो उसके बाद ये लड़का आदमी थी तो छोड़ गए हैं लोग चारों बदमाश और आगे उनकी सर्चिंग अभी चल रही थी, कल भी की गई है। अभी भी पुलिस पार्टियाँ वहाँ लगी हुई हैं और अभी फिलहाल ये पता लगा है कि उनमें से एक व्यक्ति जो है कल्ली गुजर करके है जो मुरैना का रहने वाला है और उस पर इनाम भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया उसको गिरफ्तारी पर। ये पूरा पहले का बदमाश रहा है, पहले के इसके रिकॉर्ड है। इसके साथ में 3 साथी और हैं जिनकी पहचान कर रहे हैं और पुलिस पार्टियाँ इसमें सारे आसपास की, लेकिन एक स्थाई वारंट भी इसका इसमें फरार था प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में और बीच में भी एक बार इसका पैसे मांगने का केस सुभाषपुरा में रजिस्टर हुआ। सर उसमें हथियार वगैरह हैं इनके पास? इनके पास हथियार हैं, इनके पास बंदूक है तो उसी को दिखा के ये इस तरह से वसूली करने का कोशिश करते हैं। चूँकि ये शिवपुरी और शिवपुर के जंगल वाले पास के इलाके में जंगल ये बारिश के बाद में काफ़ी घना हो जाता है तो मूवमेंट इस तरफ करते हैं कई बार। हम लोग सिर्फ पकड़ेंगे उनको। पहली बार शिवपुरी जिले में आया या पहले भी कभी आया? इसके पहले काफ़ी पहले का रिकॉर्ड है लेकिन इस तरह से पिछले 4-5 दिन से इसकी यहाँ पे लोकेशन आ गई।